Yeah, hi everybody. Hi all you beautiful people. You're watching Navbharat. Fantastic time with Navbharat today. And yes, keep watching Navbharat today. What else? नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टुडे और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है फलसफा की पूरी स्टार कास्ट। सो सर, सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत मुबारक है। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहला सवाल हम डायरेक्टर साहब से करते हैं। सर, आज मैं होस्टिंग करना चाहता हूँ, आज आप खड़े हो जाओ। सो नमस्कार, आज आप देख रहे हैं नवभारत टुडे और मैं हमारे साथ है फलसफा की स्टार कास्ट और डिस्ट्रीब्यूटर। सो चलते हैं सीधा डायरेक्टली पूछने के लिए कि इन्होंने कैसे फिल्म बनाई, क्या मशक्कत का सामना करना पड़ा और कैसे म्यूजिक रहा और आर्टिस्ट इनको कितना तकलीफ दी और कितना फिल्म से इनको एक्सपेक्टेशन है। आइए चलते हैं। सर, पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्टर ऑफ द फिल्म हिमांशु यादव से। थैंक यू सो मच। एक्चुअली फिल्म बनाना मेरे लिए बहुत आसान था, मुझे बस एक तकलीफ हुई कि जो मेरी फिल्म का जो लीड एक्टर है बड़ा ईगो है उसमें, इतना परेशान किया कि बता नहीं सकता। बाकी बड़ा मजा आया फिल्म बनाने में, कोई दिक्कत हुई नहीं, बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है। मजाक है, मनीत हमारी फिल्म के लीड एक्टर है एंड वी हैड अ फैंटास्टिक टाइम। नहीं नहीं, इनको कल की डेट नहीं मिलने वाली है। इट वाज फन। ऑल आई वांट टू से इज दैट कि वी हैव यू नो इट्स एन अटेम्प्ट कि आप तक एक एंटरटेनिंग फिल्म पहुंचाएं और उसके जरिए जो मैसेज है, जो कि बहुत रिलेटेबल मैसेज है, रोजमर्रा की जिंदगी में हम गुस्से में कई चीजें कर जाते हैं जो बाद में रिग्रेट करते हैं, तो गुस्से के उस एक पल में, इन दैट मोमेंट ऑफ एंगर, इफ यू कुड जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ, यू विल एस्केप फ्रॉम 100 डेज ऑफ सॉरो। अगर इतना ही हम लोग समझ जाएं तो आई थिंक ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हम आगे रिग्रेट करेंगे, जो हमको लगता है काश हमने नहीं किया होता, तो उससे आप बच सकते हैं। वही एक मैसेज हमने इस पूरी कहानी में देने की कोशिश की है एंड वी रियली होप यू लाइक इट। वो बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया। हम ये मैसेज की तो बात कर लिए, हम चलते हैं पैसे कितने लगे हैं और कैसे लगा। सर, आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल मज़ा आ रहा है पूरी इंटायर कास्ट के साथ में। और ये जो बंदा है ना, ये बंदा नहीं है, ये बहुत पावरफुल चीज़ है। इस पूरे माहौल को जमाने में मनीत ने अपना तन मन धन धन इसलिए क्योंकि काफ़ी डेटे छोड़ के अपने टीम को पीछे रख के जो सीरियल ऑलरेडी हिट है, तो इस फिल्म के लिए अपना टाइम दे रहे हैं। आई एम रियली थैंक्सफुल टू हिम कि इन्होंने पूरा अपना 100% इस फिल्म के लिए दिया और वैसे ही हमने 100% पैसे लगाए और मैं भी चाहता हूँ कि उस तरीके से 100% का वीक लगे। हाउ स्वीट सर, थैंक यू सो मच, आपने एक्नॉलेज किया और थैंक यू। आप माई विश कि इनके पैसे बहुत जल्दी से रिकवर हों और जल्दी से मुझे बेंटले गिफ्ट करें। आइए लीड हमारी जो गीतांजलि जी हैं, गीतांजलि जी आप बताइए कि आपको इस फिल्म में काम करके कैसा लगा और अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। बहुत मज़ा आया, सबसे ज़्यादा अभी प्रमोशंस में मज़ा आ रहा है। किसके साथ मज़ा आया? काम करने में बहुत मजा आया और आप जो खिंचाई कर रहे हैं ना, वो मुझे सब समझ में आ रहा है जो। I get paid for that. अच्छा, really? चलो ठीक है, मुझे तो बहुत मजा आया इस फिल्म में काम करके, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको कोई स्पेशल मोमेंट? स्पेशल मोमेंट ये है, आप बगल में पहली बार मेरे साथ खड़े हैं। वाह 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 वाह, आपने ट्रेलर देखा होगा क्या क्या हो रहा है, उसके बाद भी कह रही है बगल में पहली बार खड़े हैं। नहीं, और मनीत के साथ और हिमांशु के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, आई थिंक पूरी टीम ने बहुत मेहनत से काम की और सबसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इन दोनों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, ये तो बहुत शिद्दत से अपना कैरेक्टर करते हैं मनीत और हिमांशु, तो आई थिंक बहुत स्पेस देते हैं अपने एक्टर्स को, अपने कैरेक्टर को करने की स्पेस दे रहे हैं। हाँ, पास में हो जाओ, आज पहली बार डांस किया इन्होंने मेरे साथ, बड़ा मजा आया, वापस करते हैं अभी। थैंक यू गीतांजलि, आप हम लोगों ने इसके साथ बहुत सारी मेमोरीज भी बनाई है। हम चलते हैं सीधा रिधिमा के साथ, ब्यूटीफुल गॉर्जियस रिधिमा ग्रोवर। रिधिमा, टेल अस समथिंग अबाउट द फिल्म एंड योर स्पेशल मोमेंट अबाउट द फिल्म। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। ओह थैंक यू, मोस्ट वेलकम। द इंट्रोडक्शन, ओह हाउ कूल। फिल्म के साथ एक्सपीरियंस हैज बीन अमेजिंगली वेल, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। फेज़ अभी भी लर्निंग का चल रहा है बिकॉज जितना हम लोगों ने शायद रिहर्सल्स में और जितना शूटिंग में करा है उससे ज़्यादा लर्निंग अभी हो रही है बिकॉज वी आर एक्चुअली फेसिंग एवरीबडी और वी आर टॉकिंग अबाउट इट। सो स्वीट, आपने मोहब्बत सॉन्ग किया, आपको मोहब्बत सॉन्ग करके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, बॉलीवुड सपना यू नो पूरा होने। आपका वो पहला सॉन्ग, आपका पहला सॉन्ग था, आपने पहली बार गाना गाया, गुनगुनाया और पहली बार डांस किया अपने एक्टर के साथ, कैसा लगा? हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस एंड वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ इट? अमेजिंग एक्सपीरियंस, आई थिंक अमेजिंग जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो आप ही मुझे बताएंगे कैसा था। हाउ डिड यू फील? आई फेल लाइक अ फरारी। नो आई जेन्युइनली, जब मैंने इनके साथ डांस किया तो ये ऐसे मूव कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि पहले मैं किसी और के साथ डांस कर रहा था जो कि मुझे सिखा रही थी, तो मुझे ऐसा लगा यार वो इतना स्टिफ है कि मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। जब इनके साथ डांस मैंने शुरू किया तो मुझे लगा उससे पहले मैं फिएट चला रहा था और अचानक से मैं फरारी चला रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर बींग रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर। I'll take the mic और नवभारत टुडे के दर्शकों को मैं मिलवाना चाहूंगा लाखों दिलों की धड़कन मनीत जोरा से। तो
लाइफ नहीं, वरना इससे पूछ रहे सवाल। तो मनित, आपकी नई फिल्म आने वाली है फलसफा 21 सितंबर को, फलसफा फिल्म में काम करके आपको कैसा लगा, आप हमारे दर्शकों को बताइए। एक तो पहले हमारे जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वो बहुत इगोइस्टिक है, और बहुत मतलब ऐसा हो गया कि टेक दे दे आपको करना पड़ेगा, ऐसा वैसा करना पड़ेगा। तो आई थिंक आई हैव अ वेरी वेरी बैड टाइम शूटिंग विद हिमांशु यादव और क्या बोलूँ, अरे मजाक कर रहा है। इट वॉज जॉय राइड फॉर ऑल ऑफ अस, वी हैड फैंटेस्टिक मेमरीज। मेहनत तो सब लोग करते हैं यार, हम लोगों ने मेमरीज जोड़ी हैं और ऐसी जोड़ी हैं जो कि मुझे लगता है कि चाहे 200 फिल्में भी बना लेंगे, ये फिल्म इनके लिए बहुत स्पेशल रहने वाली है और हमारे लिए भी बहुत स्पेशल रहने वाली है, और मैं जिन दिल से बोल रहा हूँ ये। और लोग फलसफा देखने के लिए आएंगे तो वो क्या एक्सपेक्ट करें? मुझे लगता है कि 1-2 घंटे 30 मिनट के अंदर अगर आपको अपने बारे के अंदर अपने बारे में कुछ इंट्रोस्पेक्ट रेट्रोस्पेक्ट करने का अगर आपको मौका मिल जाए और एंटरटेनिंग तरीके से मैं अपनी बात कह दूँ, कुछ सीखने का मौका मिले और इतने इतने खूबसूरत चेहरे देखने का मौका मिले, एक अच्छी सी एक्टिंग देखने का मौका मिले, एक अच्छी कहानी देखने का मौका मिले, अपने पेरेंट्स के साथ अगर आपके रिलेशनशिप थोड़े से भी बेहतर हो जाए, तो हम लोग सोचेंगे कि यार हम लोगों ने एक अच्छी फिल्म बनाई है जो कि आप लोगों को अच्छी लगी है। फिल्म में 4 गाने, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं पूरी बात हुई नहीं। अच्छा। और फिल्म अभी तक तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इसके बाद जब एक बार रिलीज हो जाएगी तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लग्जरी कार, पेंट हाउस, और सर आप सुन रहे और अच्छा सारा बहुत सारा काम। मजाक कर रहा हूँ। यस, फिल्म के गाने बहुत ही कमाल हैं, मेरे ऑलमोस्ट सारे फेवरेट हैं। तो इनफैक्ट आज सुबह जब हम लोग आ रहे थे तो हमारे ड्राइवर साहब हमारे गाने वो सारे सुनते हुए आ रहे थे, उन्होंने बोला सर गाने बहुत अच्छे हैं। हमने कहा कैसे लग रहे हैं, फिर बढ़िया, अरे सर बहुत अच्छा है, हम इतना अच्छा है, दिल को टच कर रहा है। हमने कहा चलो अगर इनको अच्छा लग रहा है तो सबको अच्छा लग रहा है। सो फार सो गुड, एवरी वन इज़ राइटिंग टू अस विद द सॉन्ग्स, दे आर ऑल लविंग द सॉन्ग्स। सो आई थिंक आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं, दिन ब दिन रेटिंग्स उनकी बढ़ रही हैं, वॉचबिलिटी, मोर व्यूअरशिप, वी आर हैप्पी। हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा अगर हम लोग कुछ आप लोगों में से किसी को हम लोग जेन्युइनली आपके हार्ट को टच कर पाएंगे, आपको जेन्युइनली अगर वो फिल्म आएगी, क्योंकि ये फिल्म इसलिए हम लोगों ने एक कॉमन आदमी की कहानी बनाई है ताकि ये रिलेटेबल रहे, आपको समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आए, बिकॉज हम लोगों ने तो फिल्म बना दी है, आपको आप इसको आपका काम है इसको हिट सक्सेसफुल बनाना, और आप इसे सीखें वो ज़्यादा हमारे लिए सक्सेसफुल है। थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे एडिटर साहब को जो इसको बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आपने करा सर, एक बार एक बार। हाई एवरीबॉडी, हाई ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल, यू आर वाचिंग नव भारत, फैंटास्टिक टाइम विद नव भारत टुडे, एंड यस कीप वाचिंग नव भारत टुडे, व्हाट एल्स। तो ये थी हमारे साथ फलसफा की पूरी स्टार कास्ट जो कि अपनी फिल्म के बारे में बता रही थी, और इनकी फिल्म आ रही है 31 सितंबर को, आप लोग जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाकर देखें, और बाकी खबरों के लिए आप लोग देखते रहें नव भारत टुडे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करके इस वीडियो को शेयर करें। कैमरा पर्सन शिवम सेठी के साथ कासिर खान, नव भारत टुडे।